करें लुक जरा बिरयानी की, बहुत मजे की लग रही थी, बहुत मजे की। ये जो वीडियो का क्लिप बन रहा ना, ये मैंने ऐसी वॉइस ओवर नहीं करना था, ऐसे ही अपलोड करनी थी वीडियो, लेकिन यहाँ पे बच्चे इतना तंग कर रहे हैं। यहाँ पे ना मेरे बच्चे के हाथ पर देखे पीछे, वो ना प्लेट खींच रहे थे अपने पापा से कि हमें पहले ना खाने दो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं यार मुझे 1 मिनट की वीडियो बना लेने दो, 1 मिनट की वीडियो बना लेने दो। अच्छा कसम से ऑनेस्टली बात बताऊँ, ज़िंदगी में दूसरी दवाई है बिरयानी मुझसे अच्छी बनी है, मुझसे तय वाली बिरयानी अच्छी नहीं बनती। एक बार मैं ससुराल में थी वहाँ, लेकिन ना वहाँ मिर्चें तेज़ हो गई थी, लेकिन टेस्ट ऐसे ही था। और दूसरी बार मेरी, मैंने पहले मेरे घर में 3-4 बार बनाई होगी अलग होकर, ज़्यादा नहीं मैं बनाती नहीं क्योंकि मुझसे अच्छी नहीं बनती। आज बनाई है, आज मेरा बहुत दिल था खाने में। नहीं और लेकिन ना पता क्या, एक दो दफ़ा बनी थी, लेकिन उसमें ये था कि थोड़े से चावल कच्चे रह गए थे एक बार, तो एक बार लेकिन नमक कम हो गया एक था। बार नमक एक बार जर्दे का कलर कम कलर हो गया ही था। था। जो लास्ट टाइम बनाई थी वो मेरे बल्कि रिकॉर्ड भी की थी, उसमें ना मुझसे जर्दे का कलर मिसिंग हो गया था, थोड़ा था मैंने थोड़ा ही डाल दिया, सुबह सुबह उबले हुए लग रहे थे ज्यादा, वाइट वाइट ऐसे लग रहा था जैसे बॉयल चावल खा रहे हो। तो ये जो है ना, ये आज आज खीर सच में बहुत मजे की बनी, बहुत मजे की बनी, तो आप भी ट्राई करें इंशाल्लाह। मेरे हस्बैंड के कहने पर कभी ना कभी तो कामयाब हो जाएंगे। मेरी तरह मैंने भी 2 सालों बाद सीख ली बिरयानी। मेरी मम्मी बनाती है, मेरी सास बनाती है जी, वाकई बहुत मजे कराची वाली बिरयानी है। इधर आपको दिखाओ, बहुत मजे की बनाती, जब भी बनाती है बहुत मजे की बनाती है। मेरा गला खराब है और जुकाम है, और दुआ करें इस बार मेरी आवाज बिल्कुल खराब हुई हुई है, और इसकी दवाई लेने के चक्कर में ना, इसकी दवाई लेने के चक्कर में सब बीमार हो गए, मैं बीमार हो गया। बारिश में बड़ा दूर तक फिरता रहा हूँ, तो उसके बाद आके मेरी अपनी तबीयत खराब हो गई है। बाकी अल्लाह खैर करे। और फिर आपने देखा तो है लास्ट वीडियो में कि तबीयत खराब होने के बावजूद हमने समोसे पकौड़े खाए हैं, ताकि ना ये हम कहते हैं कि जहर को जहर मारता है, चलो गला खराब, गला खराब हुआ और पकौड़े खाओ या ठीक हो जाएगा या खराब हो जाएगा। माल्टे मैंने उनको खाया, माल्टे को या तो ठीक हो जाएगा या खराब हो जाएगा, खराब हो गया। हाँ वो ज्यादा खराब हो गया। हाँ जी मैं बना रही थी जी तय वाली बिरयानी, मेरा बहुत दिल कर रहा था तय वाली बिरयानी खाने को। आप लोगों ने स्टार्ट में देखा, मैंने लास्ट आज स्टार्ट में लगा दिया, बताइएगा आगे कैसा लगा। चलें जी पहले मैरिनेशन करते हैं फिर बातें। ये जी जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं ना, मोटी मिर्चें 2 चम्मच मैंने इसमें वो ऐड की, और हाँ जी चली गई इसमें 2 चम्मच सुरख मिर्चें, और 2 ही चम्मच इसमें मैं यहाँ पर नमक डालूंगी। बाकी जो नमक है ना वो बाद में फिर डालूंगी, चावलों में भी जाएगा और अगर फिर कम लगा चेक करके बाद में ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। तो जी चला गया इसमें 2 चम्मच नमक, और ये गया जी सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच भर के, और साथ ही जिसमें 1/2 चम्मच आएगी हल्दी, सॉरी जी सुरख मिर्चें भर के मैंने 1 चम्मच इसमें डाली हुई है इसी सुरख मिर्चें, और साथ ही 1/2 चम्मच 1 चम्मच भर के गरम मसाला, क्योंकि आपको पता है कि तय वाली बिरयानी अगर चटपटी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता, इसलिए थोड़ा ना स्पाइसी रख के बना रही थी। और जी इसमें नेशनल का जाएगा टिक्का मसाला, 1/2 पैकेट मैंने डाला था, 1/2 डालना है 1/2 रोक लेना। और ये है जी ये भी नेशनल का ही है, और ये है बिरयानी मसाला, पहले मैंने 1/2 डाला था, मुझे कम लगा मेरे ज़्यादा डाल दिया, पर ये ना 1/2 ही जाना था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो कोई बात नहीं खैर है, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। और बस इसमें ना दही वगैरह कुछ भी नहीं जाएगी, सिर्फ इसको बस यही मसाले लगा के ना मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको रख दिया था, साथ में मैं बना रही थी कुछ और, तो इतने मैंने कहा ये मैरिनेट हो जाएगा तो मैं उधर से फ्री हो जाऊँगी तो मैं साथ ही बना लूँगी। तो जी इसको हो गए थे रखे हुए 20 मिनट, और अब जी कढ़ाई में जाएगा 1 तकरीबन 1.25 कप के करीब ऑयल, और ये जो प्याज़ें आपको पहले पड़ी हुई नज़र आ रही है ना, ये सुबहान मुझे बहुत तंग कर रहा था तो उसने डाली है, ये जी 5 प्याज़ें हैं मीडियम साइज़ की, तो वो मैंने कट कर ली थी और वो जाएंगी, और ना मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने तकरीबन थोड़ा सा 1/2 कप के करीब ना ऑयल इसमें और डाल लिया था, क्योंकि ज़्यादा थे चावल वगैरह तो इसलिए। और मैं बताना आपको भूल गई जी चिकन कितना था, चिकन था तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन होगा जिसको मैंने मैरिनेट किया। बस प्याज इतना ही करेंगे, इतना ही इसका कलर चेंज करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि हमें चावलों को कलर तो देना नहीं है जो पुलाव को दिया जाता है, जो इसलिए कि भी गोल्डन किया जाए। बस ये जो मैरिनेट वाला चिकन था ये अब इसमें डाल के इसकी हल्का हल्का सरखना, क्योंकि गोल्डन करेंगे ना फिर उसका प्याज का कलर निकल आएगा और जो चावल है ना वो सारे फिर प्याज प्याज वाले ऐसे हो जाएगा जिससे फिर पुलाव बनाओ। और इसको अच्छी तरह से ना इसी ऑयल में अच्छी तरह इन प्याज़ों के साथ ना फ्राई कर लेंगे,
और जो बॉल में है ना मसाला लगा वो उसमें तकरीबन 2-3 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और अच्छी तरह उसका सारा मसाला साफ़ करके ना वो भी उसमें ऐड कर देंगे। ये देखे नहीं मैंने ऐड कर दिया था, तो बस इसमें इसकी अच्छी तरह से फिर भुनाई करेंगे और भुनाई जब इसकी हो जाएगी ना फिर इसमें ये तकरीबन मेरे पास ना 1.5 पाव के करीब टमाटर है जिनका मैंने छिलका उतार के ना इनको मैंने बारीक काट लिया है ये देख 3-4 मिनट के लिए ताकि टमाटर अपना जो है ना पानी निकाल लें। और ये देखें बस एक बार मैंने बीच में चलाया था, मैंने कहा ये ना हो कि नीचे लग जाए, तो दोबारा से इसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर अपना अच्छी तरह से पानी निकाल लें और ना बिल्कुल मेल्ट हो जाए। और साथ में मैंने रख दिया था चावलों का पानी बॉयल होने के लिए, और चावल जिस पानी में बॉयल करने थे ना उसमें मैंने 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाला था, 2 दालचीनी के टुकड़े और 4 से 5 लौंग और 5-6 काली मिर्चें, क्योंकि आपको पता बिरयानी मसाले में ऑलरेडी ये होता है मसाला साबुत भी, तो तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच के करीब नमक था जो मैंने इसमें डाला था क्योंकि मेरे हस्बैंड सादरा चटपटी खाते हैं ना नमक मिर्चें तेज़ थोड़ा, तो बस ये मैंने रख दिया पानी बॉयल होने के लिए ताकि इसमें बॉयल आ जाए और फिर मैं इसमें ना पानी ऐड कर लूँ। और साथ में मैंने खोल के देखा था मसाले को कि भाई देख लूँ पानी टमाटरों ने छोड़ दिया, और ये देखे माशाल्लाह जी कितना ज़्यादा पानी निकल आया टमाटरों का बाहर, बल्कि मेरे हस्बैंड अभी वीडियो एडिट कर रहे थे ना तो कहते कहते यार तुमने पानी तो डालते दिखाया नहीं है बीच में, इतना पानी कहाँ से आ गया, नहीं ये टमाटर का पानी है मैंने नहीं ऐड किया, कहते इतना ज़्यादा टमाटरों में से पानी निकलता है, कहता जी टमाटर से इतना पानी निकलता है। तो बस ये इसको अच्छी तरह से ना फिर इसी मसाले के अंदर साथ साथ इसको चम्मच से टमाटरों को पीसते जाएंगे ताकि टमाटर मोटे मोटे ना रहे, और साथ ही जी इसकी बुनाई करते जाएंगे। और ना मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लगी थी, मैंने थोड़ा सा मसाला टेस्ट किया था तो फिर मैंने तकरीबन 1 चम्मच इसमें ना मिर्चें और डाल दी थी, सुरख वाली मिर्चें जो थी ना वो डाल दी थी क्योंकि मेरे पास जो ग्रीन थी ना वो ज़्यादा तीखी नहीं थी यानी तेज़ नहीं थी, वो थोड़ी जो नॉर्मल सी होती है ना वो थी, तो बस। और साथ में ना 1 कप इसमें मैंने डाला है दही का, और दही ना मैंने कम इसलिए डाली है क्योंकि मैंने टमाटर बहुत ज़्यादा डाले हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी हो जाती है और इतनी खट्टी नहीं खानी थी, बच्चे बीमार होते और हस्बैंड साहब भी पहले गला ख़राब है, तो मैंने इसलिए ज़्यादा दही नहीं डाला, टमाटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाल दिए थे जी। तो ये देखिए चावल जो पानी है चावलों वाला इसको अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है, बस इसमें मैंने पानी चावल डाल देने और ना इसको पकने के लिए छोड़ देना। मुझे ना इस चीज़ का कोई वो नहीं पता चलता कि इसमें कितनी कनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, मुझे बस ना अंदाज़ा है तो मैं अपने उसी अंदाज़े के मुताबिक काम करती हूँ, अगर मैं इस चीज़ को जहन में रख के चलूँ ना तो मुझसे चीज़ ख़राब हो जाती है, 1-2 बार पहले भी ऐसी ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैंने कनियों शनियों वाला तरीकाकार जो ना बिल्कुल साइड पर किया हुआ है। तो बस मुझे जितना चाहिए था ना कि चावल इतना मैंने बॉईल करना है, मुझे इतनी ज़रूरत है मैंने उतना किया, और उसके बाद बस इसको निकाल दिया चावलों को पानी से, और साथ साथ इसका जो सालन है बिरयानी का वो मैं रेडी कर रही हूँ, वो देखे साथ पहले उस पर जो दही का पानी था बस वो खुश्क अच्छी तरह हो रहा है, और साथ में जो चिकन था वो गल जाएगा, तो बस फिर इससे मैं निकाल लूँगी चावलों को अच्छी तरह। ये देखे जो चावल मैंने पानी से निकाल लिए और जो हाफ साले ने ना वो मैंने साइड में प्लेट पर रखा हुआ है, बस अब इसकी तय पिला देंगे लगा देंगे पिला देंगे कुछ भी कर लें आप लोग। तो बस जी ये करके इसमें मैंने लेमन और ना सब्ज मिर्चें बीच में से कट करके ना छोटे पीस बना के, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं ना तो फिर हस्बैंड और बच्चे खाते नहीं है ज़ाया कर देते हैं, तो और साथ में जर्दे का कलर बस इसकी तय लगा दी थी। और अगर आप मेरे पास ना उस टाइम पुदीना नहीं था, अगर आप लोगों के पास हो तो वो प्लीज़ ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है बिरयानी में। तो बस ये बाकी सालन और चावलों को ऊपर डाल के बस इसको फिर मैं दम पे रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। मैंने ना थोड़ा सा बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे तो मैंने ना बच्चों को थोड़ा सा ना इसका टेस्ट करवाया था सालन, तो उन्हें इतना अच्छा लगा ना कि बच्चों ने मेरी तय लगाना मुश्किल कर दी चावलों की, कह रहे मम्मा हमें दे दें बस हमें थोड़ा सा देते हुए, बट बुरी बात आपको देती हूँ चम्मच पे ना थोड़ा सा साइड पे से मैंने उन्होंने टेस्ट करवाया था ना मज़े का लग रहा था ना जिसकी कोई हद नहीं। और ये देखिए जी आ गया हम हस्बैंड वाइफ सुने हमारी बातें, आज मेरे मियाँ साहब किचन में क्या कर मांगनी पता नहीं कैसी हो बना ली वाले ये देखे नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी ना कसम से मुझे खुद अपने ऊपर हैरानगी हो रही थी,
माशाल्लाह ये नहीं कि खाना नहीं अच्छा बनाती, खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती है, पर ये मुझसे ये तय वाली जो बिरयानी है ना ये नहीं अच्छी बनती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें लुक ज़रा बिरयानी की, बहुत मज़े की लग रही थी, बहुत मज़े की। ये जो वीडियो का क्लिप बन रहा ना ये मैंने ऐसी वॉइस ओवर नहीं करना था, ऐसे ही अपलोड करनी थी वीडियो, लेकिन यहाँ पर बच्चे इतना तंग कर रहे हैं, यहाँ पर ना मेरे बच्चों के हाथ पर देखे पीछे वो ना प्लेट खींच रहे थे अपने पापा से, हमें पहले ना खाने दो, तो मेरे हस्बैंड कहते यार मुझे एक मिनट की वीडियो बना लेने दो, एक मिनट की वीडियो बना लेने दो, बस यहाँ पर ना बाप बेटे की लड़ाइयाँ ही चल रही थी, तो वो वीडियो नहीं बना रहे थे, और मैंने कहते थे आप यहाँ से साइड पे हो जाओ, मैं बच्चों को डाल देती हूँ, कहते यार मुझे ना यही रख कर बनानी है टेबल पर, थोड़ी देर ठहर जाओ, और बच्चों से ना बिल्कुल बेसब्री हो रहा था, यकीन करें। चलें जी आप बाकी वीडियो आप लोग इन्जॉय करें। ये बन गई है जी मज़ेदार सी बिरयानी, और पता नहीं कैसी बनी है, मुंह ना जल जाए। बहुत टेस्टी आई, बहुत मजे की बनी सही। अच्छा कसम से ऑनेस्टली बात बताऊं, पर ज़िंदगी में दूसरी दफा ये बिरयानी मुझसे अच्छी बनी है, मुझसे तय वाली बिरयानी अच्छी नहीं बनती। एक बार मैं ससुराल में थी वहाँ, लेकिन ना वहाँ मिर्चे तेज़ हो गई थी, लेकिन टेस्ट ऐसे ही था। और दूसरी बार मेरी मैंने पहले मेरे घर में थी, चार बार बनाई होगी अलग होकर, ज़्यादा नहीं मैं बनाती नहीं क्योंकि मुझसे अच्छी नहीं बनती, आज बनाई है, आज मेरा बहुत दिल था खाने में नहीं। और लेकिन ना पता क्या, एक दो दफ़ा बनी थी, लेकिन उसमें ये था कि थोड़े से चावल कच्चे रह गए थे एक बार, तो लेकिन एक बार नमक एक बार जलते का कलर कम कलर हो गया था। जो लास्ट टाइम बनाई थी वो मेरे बल्कि रिकॉर्ड भी की थी, उसमें ना मुझसे जलते का कलर मिसिंग हो गया था, थोड़ा था मैंने थोड़ा ही डाल दिया, सफेद सफेद वो उबले हुए लग रहे थे, ज्यादा वाइट वाइट ऐसे लग रहा था जैसे बॉयल चावल खा रहे हो। तो ये जो है ना ये आज खीर सच में बहुत मजे की बनी, तो आप भी ट्राई करें इंशाल्लाह, मेरे हस्बैंड के कहने पर कभी ना कभी तो कामयाब हो जाए। मेरी तरह मैंने भी 2 सालों बाद सीख ली बिरयानी। मेरी मम्मी बनाती है, मेरी सास बनाती है जी, वाकई बहुत मजे कराची वाली बिरयानी है, इधर आपको दिखाओ, बहुत मजे की बनाती है, जब भी बनाती है बहुत मजे की बनाती है। चले जी वीडियो को यही करेंगे आज एंड, आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर एंड करते हैं, ठीक है। चले जी आपको आई होप जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आप बोले क्या बोलूं, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें शेयर करें, और नीचे जो बेल का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चले जी अल्लाह हाफिज़।